ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक रीडिंग के साथ आए हैं जो कि है कि शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन इन दिस रिलेशनशिप। तो आप जिस रिलेशनशिप में हैं इसमें आपको रुकना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या कोई स्ट्रांग डिसीजन बनाना चाहिए। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है और काफ़ी लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में पड़े रहते हैं या फंसे रहते हैं या एक एक मुसीबत सी बन जाती है वो रिलेशनशिप। एक ऐसा टाइम आ जाता है उस रिलेशनशिप में जिसमें वो ना ही आगे बढ़ पाते हैं ना ही एक डिसीज़न बना पाते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो फंस जाते हैं और आगे का सोचते हैं। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है ये लाइफ का और एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होता है किसी भी पर्सन के लिए एक रिलेशनशिप में जब वो होता है। ठीक है, सो इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की पहले कंबाइन एनर्जी निकालेंगे, फिर इसका सवाल लेंगे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए एंड लास्ट में डिवाइन गाइडेंस लेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको ज़बरदस्ती फोर्स मत करें। कुछ लोग भी कल जो मैंने रीडिंग डाली उसमें मुझे लिखते हैं यू आर ऑल सेइंग क्रैप और ये और वो। देखिए मैंने हज़ार बार कहा है और अभी फिर रिपीट कर रही हूँ और मैं हर रीडिंग से पहले बोलती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको अपने कार्ड्स खुद पुल अप करवाने पड़ेंगे और आपको पता लगेगा। ये मैच आपके साथ हो भी सकती है और आपके साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती। जब मैं कंबाइन एनर्जी निकालूंगी तभी आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं। अगर आपको लगेगा कि आपकी राशि की रीडिंग, आपकी खुद की लाइफ की रीडिंग कुछ और है और राशि की रीडिंग कुछ और आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी पिक नहीं हुई। सो शुरू में ही पता चल जाता है कि ये रीडिंग मेरी नहीं है। सो उस रीडिंग को आप मत देखा करिए, उसको स्किप करें और आगे बढ़ें। और देखिए किसी भी टैरो रीडर को ये मत कहें जनरल रीडिंग जो दे रहा है यूट्यूब पे या कहीं पे भी कि आप गलत कहते हैं, आप गलत क्रैप बोल रहे हैं। ठीक है, वो एक हेल्प करने की कोशिश कर रहा है जनरल रीडिंग के थ्रू। आप उसको जनरलाइज करके वो पहले ही बता रहा है तो आप फोर्स मत करिए। हजार बार कहा जाता है प्लीज डोंट फोर्स ऑन योर सेल्फ। ठीक है, बहुत लंबी बात हो गई, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। रीडिंग पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है। सो अब हम जल्दी से अपनी रीडिंग को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सो वर्गो यानी के कन्या राशि, कन्या राशि इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए? शुड यू वेट, शुड यू मूव ऑन, शुड यू जस्ट लीव? सो जो भी आप लोगों के सवाल हैं वो इस रीडिंग में आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कंबाइन एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप। क्या है कंबाइन एनर्जी? सो रीबर्थ, द रिबेल, फ्लावरिंग एंड प्रोजेक्शंस। वर्गो इस रिलेशनशिप में ना आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और मैं आपको ये देखना चाहती हूँ कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं रीबर्थ के मोड पे हैं। रीबर्थ का कहीं ना कहीं मतलब है जहाँ आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइकिल कहें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज कहें, इस पर्सन के साथ ओवर हुआ है। आप लोगों की पर्सनैलिटीज़ टोटली डिफरेंट हो गई हैं। अगर आपका रिलेशनशिप 10 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल, जितना भी पुराना है, आप लोग तब जो थे तब से लेके अब तक बहुत ग्रो हुए हैं। अगर मैं रिबेल के कार्ड को देखूं तो आपका पार्टनर हो सकता है या फिर आप दोनों में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा रिबेलियस नेचर का था, बहुत ज़्यादा ऐसा था कि किसी की नहीं सुनता था, सिर्फ अपनी चलाता था, अपनी करता था। बट ये फ्लावरिंग एंड प्रोजेक्शंस के कार्ड से ये दिख रहा है कि ना आप दोनों के बीच में अगर दूरी आई है या ऑन ऑफ रहता है, कहीं ना कहीं उसको ये पता चलने लगा है, वो अपने अंदर झांक के देखने लगा है या देखने लगी है कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या रिफ्लेक्ट किया, मेरा पार्टनर क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है। बट ओवरऑल जो अप्रोच दिख रही है इस रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल, जो करेंट एनर्जीज ऑफ योर रिलेशनशिप है, वो न्यू बिगिनिंग की है, स्टार्ट करने की है, दोबारा से शुरुआत करने की है। और ये ना बहुत अच्छी एनर्जी है, आप इसको नेगेटिव मत लीजिए कि क्यों मेरा पार्टनर ऐसा सोचता है, क्या है ये, बहुत अच्छा दिख रहा है कि एक इंसान दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहा है। ठीक है, सो आप ये दोनों सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी है, अगर एक पर्सन थोड़ा सा भी स्वतंत्र ज़्यादा रहना चाहता है या ध्यान नहीं देता तो दूसरा पर्सन उसको बहुत ज़्यादा संभालता है, ये भी दिख रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे डेक से शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन, क्योंकि क्या ये पर्सन इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएगा या आपको हार्ड टाइम देगा, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है।
क्या वर्गो को इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए या अभी और समय देना चाहिए? शुड यू वेट? देखिए, डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड फिर से रिपीट हुआ है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स. देखिए, रिवर्स का कार्ड आया है. लेट मी सी, यस रिवर्स. देखिए, मुझे एक चीज़, दो तीन बातें इसके अंदर बहुत, मतलब इतनी अच्छी आई हैं कि वो ये है कि इस रिलेशनशिप को आपको इस बार स्टेबल बनाने का एफर्ट लगाना है. आपको वो सारी चीज़ें करनी हैं जो शायद आपने पिछली बार नहीं की थी. शायद आप पिछली बार बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, ओवर प्रोटेक्टिव थे, पोजेसिव थे. इस बार आपको वो चीज़ें नहीं करनी. इस बार आपको अपने पार्टनर को स्वतंत्र छोड़ना है. अभी भी वो वापस लौट लौट के अगर आपके पास आ रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन लव्स यू. ठीक है, रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है, तो रिकन्सिलिएशन तो डेफिनेटली है. बट थोड़ा सा आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर की तरफ से भी देखना है कि वो आपके साथ कितना कम्युनिकेट कर रहा है. कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही कम्युनिकेशन करें. ठीक है, मुझे एनर्जी इस टाइम जो आप दोनों की दिख रही है वो रिकन्सिलिएशन की दिख रही है. रिलेशनशिप टूटता नहीं दिख रहा. सो आप अभी वेट करें, देखें क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या चीज़ें सही हैं, क्या आपके हक में आ रही हैं चीज़ें. अगर आप कंफर्टेबल हैं दोबारा, तो आप ज़रूर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को रिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन भी प्रोजेक्ट कर रहा है, उसे भी समझ में आ रहा है कि उसने भी क्या क्या गलतियां की हैं. अगर वर्गों ने की हैं तो उसके पार्टनर ने भी की हैं. ऑल राइट, सो ये है आपकी ये एनर्जी की रीडिंग. अब मैं देखती हूँ कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं. पिछली रीडिंग में हमने डिवाइन की गाइडेंस नहीं ली थी, सो हम इस बार इस रीडिंग में डिवाइन की गाइडेंस लेंगे. देखेंगे कि वर्गों को डिवाइन क्या कहना चाहते हैं. सो बहुत अच्छी रीडिंग आती है इस डेक से. एंड देखिए क्या है, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर. मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ का मतलब पता है क्या है? आप, क्या होता है कि वर्गोस बहुत जल्दी ना दूसरों की पर्सनालिटी से अफेक्ट हो जाते हैं और फिर वो उनके उनको ही फॉलो करने लग जाते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप फॉलो मत करें अपने पार्टनर को, आपको करना है, तभी तो वो खुश रहेगा, तभी तो उसे लगेगा कि आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं. बट आप उसकी एनर्जी में खो मत जाएं, आप अपनी लाइट, अपनी एनर्जी को मेंटेन करके चलें. ठीक है ना, आप ये मत सोचें कि हाई वर्गो नहीं है मेरी लाइफ में, या वर्गो आप ये मत सोचें कि मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर नहीं है तो मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उड़ गई. ऐसे वाला नहीं. अगर वो किसी काम में बिजी है, किसी जगह चला गया है, चली गई है, सो आपको ट्रस्ट बना के रखना होगा, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग देनी होगी अपने पार्टनर को, जो मुझे दिख रहा है. एंड अगला है केयर एंड कंपैशन. सो चूज टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व. सिर्फ अपने बारे में आपने नहीं सोचना है. कभी कभी अगर आप थोड़ा सेल्फ लव में ज़्यादा आ जाते हैं या सेल्फिश हो जाते हैं, कभी कभी हो जाता है हम लोग, थोड़ा जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं तो अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं. तो केयर भी करनी है सामने वाले की, और कंपैशनेट भी रहना है कि ठीक है यार, उसका मन नहीं है कोई काम करने का, या वो ये नहीं करना चाहता हमारे साथ. सो यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली. सो ये है वर्गोस आपकी रीडिंग. एंड आई होप फ्रेंड्स कि क्लैरिटी मिली हो. प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. रीडिंग को पसंद करते हैं तो कॉमेंट करें. बाकी पर्सनल नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर रीडिंग. तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स.